इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता आज रादौर में अपने चुनावी दौरे पर हैं। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा के राज में आज देश में सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर है। वहीं कहा कि भाजपा ने किस तरह से मणिपुर में आग लगाकर अपनी राजनीति चमकाई है और अब हरियाणा के मेवात में करना चाहती थी। वहीं लोगों से अपील की है कि परस्पर सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दें। और क्या कुछ खास कहा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने? ईद की दिली मुबारक, कल ईद की मिठाई हम सब ने खाई है। आज इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है। ये सारा देश जाति और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। अपने ही देश में कई बार लोगों को रहते हुए डर लगता है कि क्या वास्तव में सरकार है भी कि नहीं है। हम सब देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। दो समुदायों का आपस में जानबूझ के सरकार वहां पे नियंत्रण नहीं करना चाहती। जैसे दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा साजिश रची गई, दिल्ली को जला दिया गया। आज जो मणिपुर के हिस्सा है उसको मेवात के जरिए हरियाणा में भी लगाने की कोशिश की।